मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात रखने का मौका आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मेरी विधानसभा से ही बात शुरू करूंगा। माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पहली बार नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की सड़कें दी। ये पहली बार ऐसा हुआ है और ऐसा सरकार की तरफ से एक बड़ा काम नगर पालिकाओं में रहने वाले, नगर परिषद शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक सौगात सी है। मैं ये चाहूँगा और धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि सबसे पहले बजट घोषणा पूरी करने के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया, जो हमें आज फोन आ गया था हमारी विधानसभा से। मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बजट घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया वो आपने उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो सड़कें आपने जो इसमें बायलॉज तय किए हैं, पानी और सीवरेज की जो लाइन डली है उन सड़कों को छोड़ते हुए बनाना है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। जो जोन रह गए हैं जिनमें वास्तव में सड़क बननी चाहिए वहाँ बने, जहाँ सीवरेज ने तोड़ दी वहाँ सीवरेज बना देगी, जहाँ पानी की लाइन पीएचडी ने तोड़ी वो पीएचडी बना देगी, ये बहुत अच्छी बात है। पर इसमें मैं चाहूँगा कि एक लाइन डाल दी जाए कि अनुशंसा विधायक की हो, ताकि वो सड़कें वास्तव में वही बने जिनकी ज़रूरत है। ये बहुत आवश्यक काम है कि ये ज़रूरी है कि हम विधायक, अब जब सरकार ने दिया है और इस हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी और आपने घोषणा करी है, तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे विधायक के मार्फत से जनता को मिले, मैं ये चाहूँगा। साथ ही मैं एक बड़ी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपका माननीय मंत्री महोदय। राज्य सरकार द्वारा 2014-15 में EESL कंपनी द्वारा स्ट्रीट लाइट LED लाइट क्रय की गई थी, जिसमें किशनगढ़ को भी 13,500 LED लाइट मिली थी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2015-14 में टेंडर हुआ था, 2017-18 में लगना शुरू हुई और 40% लाइटें आज भी बंद पड़ी है मेंटेनेंस के अभाव में। वो कंपनी मेंटेनेंस नहीं कर रही है, वो लगा के छोड़ गई और पूरा शहर, आधा शहर अंधेरे में पड़ा रहता है। हालत ये हो गए सर कि लाइट के लिए विधायकों को फ़ोन करती है जनता सीधा सीधा, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस ओर ध्यान दें और इस संबंधित कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई आप करें, ताकि लोगों को जो तकलीफ उठानी पड़ रही है वो तकलीफ कम हो, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था करें सरकार जिससे ये लाइटें चालू हो जाए, चाहे अलग से कोई फंड नियोजित करे, चाहे अलग से कोई व्यवस्था करे। पर क्योंकि जनता को अंधेरे में नहीं रख सकते, इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसा कोई सर्कुलर या ऐसी कोई आदेश जारी करें जिससे वार्डों की जो 30 से 35 से 40% लाइटें बंद पड़ी है वो वापस जल जाए। मैं इसी संबंध में एक और निवेदन करना चाहूँगा। मैं बार बार, पिछली बार भी मैंने आग्रह किया था आपसे और आज फिर एक बार आग्रह कर रहा हूँ, मेरी विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, 3 लाख वोटर हैं मेरे, 210 गाँव है, 41 पंचायतें हैं। नगर निगम, नगर परिषद में केवल 2 दमकल है। कई बार गांवों में आग लग जाती है, एक गांव में एक ही दिन में, एक मेरी विधानसभा में कई बार ऐसा हादसा हुआ कि 3-3 जगह आग लग गई और गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। आसपास की नगर पालिकाओं से भी बहुत दूर पड़ता एरिया, नहीं आ पाती है। कम से कम एक दमकल की स्वीकृति आप मेरी नगर परिषद में करवाएं एक्स्ट्रा, ताकि जब तक ग्रामीण क्षेत्र में दमकल की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक शहरी क्षेत्र की दमकल उन गांवों में जहां आग लग रही है उनको बुझाने का काम अच्छी तरीके से करें। नगर पालिका, नगर परिषदों में स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है, मेरे यहां आज भी 200 पद खाली है। मैं चाहूँगा कि ज़रूरी पदों को आवश्यक रूप से भरने की कार्रवाई करें आप। जैसे हमारे यहाँ अग्निशमन के 2 पद, अग्निशमन अधिकारी के 2 पद खाली हैं, दोनों के दोनों ही रिक्त हैं। फायरमैन के 20 पद हैं, उसमें से 11 रिक्त हैं सर, और ये बहुत ज़रूरी है। सफाई कर्मियों के 70 पद रिक्त हैं, इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो सफाई दी हुई है वो भी 10 दिनों से हड़ताल पे हैं। वो सैलरी, उनको जो दैनिक भत्ता मिल रहा है उसको कम मिल रहा है, इस वजह से वो 10 दिनों से उन्होंने सफाई बंद कर रखी है। अभी ठेका प्रणाली से सफाई नहीं हो पा रही है, इसलिए शहर में गंदगी भी बढ़ रही है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सफाई कर्मियों की जो कमी है 70 की वो पूरी हो, ताकि हम ज़्यादा डिपेंड नहीं रहे ठेका पद्धति पे और नगर परिषदों का पैसा बचे। एक निवेदन और भी करना चाहूँगा, अभी सभी साथियों ने आवारा पशुओं की बात के लिए बात उठाई थी, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा।
शहरों में जहां सड़कें बन गई है, जहां सड़कें चौड़ी है, वहां पे मशीनों से सफाई हो, नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था हो, ताकि जो स्टाफ है, जो सफाई करने वाला जो स्टाफ है, एक्स्ट्रा स्टाफ है, वो इन आवारा पशुओं को पकड़ने में लगा दिया जाए, ताकि शहर में जो दुर्घटनाएँ हो रही है बार बार, रोज आए दिन कोई न कोई आवारा जानवर, आवारा पशु किसी न किसी मोटरसाइकिल वाले को, किसी पैदल चलने वाले राहगीर को कहीं न कहीं चोटग्रस्त करता है, और ये घटना बहुत तेज़ी से वायरल होकर फैलती है, लोगों में आक्रोश बढ़ता है। तो इस व्यवस्था की तरफ हमारा ध्यान बहुत ज़रूरी देना है हमें। शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग जोन, हालांकि आपने आदेश कर रखे हैं कि वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन बने, और आपको नगर परिषद द्वारा सूचना भी दी गई है कि हमने यहाँ पर वेंडिंग जोन बना दिया, यहाँ पर नॉन वेंडिंग जोन बना दिया, पर पालना नहीं हो रही। सर, आपसे मेरा अनुरोध है कि वेंडिंग जोन जहाँ बने हैं वहाँ पे शिफ्टिंग की कार्रवाई हो, और जहाँ नॉन वेंडिंग जोन है वहाँ पे कोई भी ठेला, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगे जिससे यातायात प्रभावित होता हो और शहर की सुंदरता खराब होती हो, लोगों का आवागमन में असुविधा होती हो। तो इस चीज़ को मैंडेटरी लागू करवाएँ आप, ताकि लोगों को आवागमन सुविधाजनक मिले। मेरा निवेदन एक और है सर, निर्माण स्वीकृति एक सबसे बड़ी तकलीफ का काम हो रही है नगर परिषद में। आजकल भवन बनाने के लिए लोग नगर परिषद में स्वीकृति लेने जाते हैं, जबकि अवैध निर्माण करने वाला या अतिक्रमण करने वाले को स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो स्वीकृति लेने जाता है उसको स्वीकृति मिलती नहीं है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए और उसकी समय सीमा तय कर दें आप, कि नगर परिषद में निर्माण स्वीकृति जिस दिन मांगी जाए उसमें 15 दिन के अंदर अंदर किसी भी सूरत में निर्माण स्वीकृति जारी कर दी जाए, एक चेकलिस्ट बन जाए। उस चेकलिस्ट पे पहले ही दिन वो जितनी फॉर्मेलिटीज़ मांगे परिषद, उतनी फॉर्मेलिटीज़ भवन निर्माणकर्ता दे दे और उसको 15 दिन में किसी भी रूप से निर्माण स्वीकृति मिल जाए, ताकि अवैध निर्माण से बचे। या अभी बहुत सारी बातें सामने आई है, कई मंजिल बढ़ा ली जाती है, पार्किंग नहीं छोड़ी जाती है, शहर की सुंदरता खराब होती है, तो ये सब चीज़ों से बचें और आम उपभोक्ता को निर्माण की स्वीकृति जल्दी मिले, ताकि सरकार की तरफ से एक मैसेज जाए लोगों में अच्छा सा कि जो निर्माण की स्वीकृति लेने वाले लोग हैं उनको नगर परिषद द्वारा बहुत आराम के साथ सरकार की वजह से बहुत अच्छी सुविधाजनक तरीके से हमें निर्माण स्वीकृति मिल गई। अवैध निर्माणकर्ताओं पर बहुत ज़बरदस्त संकुश लगना चाहिए, क्योंकि अवैध निर्माणकर्ताओं ने बहुत सारी सरकार को राजस्व का नुकसान तो पहुँचाया ही पहुँचाया, इसके साथ साथ एक गलत मैसेज भी शहर में जाता है करप्शन का, और करप्शन भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नगर परिषद के कर्मचारी मिलीभगत से कहीं न कहीं ऐसी बिल्डिंगों को बनने देते हैं या आँख बंद कर लेते हैं जहाँ पे प्रभावशाली व्यक्ति अपना प्रभाव रखते हैं। एक मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा इस बजट में, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने प्रशासन शहरों के संग जो कार्यक्रम आयोजित किया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सालों से अवेटेड था, बहुत सालों से लोगों के दिमाग में ये था कि कब तक, कब प्रशासन शहरों के संग लगेगा, और ऐसे कैंपों से ही लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। अगर ये कैंप नहीं लग रहे हैं तो लोग कहीं कहीं परेशानियों में हैं। दो मिनट में मैं चाहूँगा, जी सर मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा सर कि इसमें थोड़े थोड़े आमूलचूल परिवर्तन करें आप। मैं सबसे पहले जो कच्ची बस्तियाँ हैं जहाँ पर बची हुई है थोड़ी बहुत जो लोग रहते हैं, उनके पट्टे अनिवार्य रूप से जारी किए जाए, ताकि उनको मूलभूत सुविधाएँ मिले। मेरे सभी साथियों की समस्या थी कच्ची बस्तियों में लोग जो रह रहे हैं उनका भी जीवन हमारी तरह खुशहाल हो, वो भी सारी सुविधाओं का उपभोग करें, उनको भी ये लगे कि हम भी अच्छे माहौल में रह सकते हैं। तो जब तक पट्टे नहीं मिलेंगे, जब तक वहाँ सड़क निर्माण नहीं होगा, वहाँ नाली नहीं मिलेगी, वहाँ लाइट नहीं जाएगी, वहाँ और सुविधाएँ डेवलप नहीं हो पाएगी। तो मेरा निवेदन है कि इन कैंपों में विशेष तौर से फोकस किया जाए कच्ची बस्तियों पर, कि उनके पट्टे जारी हो। कृषि भूमि पर बसी हुई जो कॉलोनियाँ हैं कई बार सड़क की चौड़ाई की वजह से उनको रोक दिया जाता है, तो इस बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ी शिथिलता दी जाए उसमें, ताकि अधिक से अधिक कच्ची बस्ती पे बने हुए मकानों का नियमितीकरण हो जाए, उनका पट्टा मिल जाए। और एक बात और, इस बार के अभियान में आप एक विशेष लाइन जरूर जोड़ दें कि अभियान वार्डों में ही लगे, नगर परिषद के कैंपस में नहीं लगे। जिस वार्ड में जाना है उस वार्ड में कैंप लगे, ताकि लोगों को सुविधा मिले और उस सुविधा से ज़्यादा लोग आप सरकार द्वारा बनाई योजना का फायदा ले सके, और उनको ये लगे कि सरकार हमारे घर तक आई और हमारे घर पे आके हमारी समस्याओं का समाधान किया। अधिक से अधिक चीज़ों को इसमें जोड़ें, हस्तांतरण, नाम हस्तांतरण, खांचा भूमि, कृषि भूमि पे बसे हुए पट्टे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हल हो पा रही है, उनका हल हो। निर्माण स्वीकृति को भी आप इसमें जोड़ें, उस कॉलोनी में, उस वार्ड में रहने वाले लोगों को अगर निर्माण स्वीकृति लेनी है
तो कैंप में जाए और शायद उनको उसी दिन मिले। और सारे विभाग, जितने विभागों का आप इसमें जोड़ रहे हैं, वो सारे विभाग अनिवार्य रूप से उस प्रशासन शहरों के संघ अभियान के कैंप में अनिवार्य रूप से बैठे, उनकी मॉनिटरिंग हो और वो लोग पूरी तरह से काम करें। और हम भी वहाँ जाएं तो हमें लगे, हमने जनता अगर हमारे पास कोई समस्या लेके आए तो हम तुरंत उस विभाग को दें और उसी दिन उस समस्या का समाधान हो जाए। जरूरी है कि आप ये आदेश निकालें कि जो समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान प्रशासन शहरों के संघ कैंप में उसी दिन हो जाए, किसी भी सूरत में उसी दिन हो जाए, चाहे अगर कागज पूरे हैं तो, और कागज पूरे नहीं है तो जैसा शंकर सिंह, जितना समय लग सकता है उतना समय लगे। एक विशेष बात कह के मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कृषकों व खातेदारों व गरीब काश्तकारों के हितों के लिए राजस्व कैंप कोर्ट लगाए जाते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं। मेरा निवेदन है जब ये प्रशासन शहरों के संग लग रहा है, आपने 1 मई से शायद प्रशासन गाँवों की ओर भी चल रहा है कैंप, और 2 अक्टूबर से आप प्रशासन शहरों के संग शुरू कर रहे हैं, तो इस तरह के कैंप शहरी क्षेत्र में भी आयोजित किया जाए, क्योंकि राजस्व से संबंधित काम शहरों में भी है, वहाँ भी गैर खातेदारी लोगों को खातेदारी जमीनों को कन्वर्ट कराना होता है, ये काम हो नहीं पा रहा है। शहर के लोगों का ये बड़ी समस्या है कि उनकी गैर खातेदारी जमीन खातेदारी में नहीं जाती है, जिससे उनको लोन नहीं मिलता, वो बेचान नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वो कर नहीं पाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस कैंप के साथ आप उपखंड अधिकारी को निर्देशित करें कि ये जो राजस्व कैंप कोर्ट है ये भी इन प्रशासन शहरों के संग ऐड हो जाए, ताकि एक बड़ी समस्या जो रेवेन्यू की है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, एक बात और कहूँगा, सुबह 295 में मैंने आपको मेरी 2 झीलें हैं शहर की उनके लिए निवेदन किया था, एक बार फिर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मुझे मौका मिला बोलने का तो मैं चाहूँगा कि मेरे वहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे, ताकि ये दोनों जिले प्रदूषित होने से बचे और इन जिलों का पानी पीने योग्य हो जाए और शहर का सौंदर्यकरण हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29 के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास के लिए, धन्यवाद। सभापति महोदय, शहरों में ब्यावर शहर में